आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू इवैल्यूएट 1.45 बार एंड प्लस 0.03 बार। देखो, तो पहले इसको अलग से इवैल्यूएट करेंगे, इसको अलग से करेंगे, लास्ट में सम कर देंगे। देखो, हमको गिवन है 1.45 बार। इसका क्या मतलब हुआ? ये हुआ 1.45 45 45 45 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब क्या है? ये नॉन रिपीटिंग है और रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसको एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। अब क्या करता हूँ, 100x निकालता हूँ। मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो कितनी वैल्यू आएगी? 145 बाहर आ जाएगा, 45 बाहर आ जाएगा, 0.45 45 45 45 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जब भी जो इसमें रिपीटिंग पार्ट होता है ना, उसको बाहर ले आते हैं, पॉइंट के इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो डिजिट रिपीटिंग कर रही थी। तो 145 मेरा इधर आ गया, 0.4545, अब ये हो गया। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1, 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दो 2 में से 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा 99x, 100x माइनस x 99x। अब इधर देखो, इधर 145 के बाद पॉइंट के बाद ये सारी रिपीटिंग डिजिट है मेरी, और इधर भी 1.45 का रिपीटिंग है। तो 145 माइनस 1 इज 144। ठीक है, 145 माइनस 1 इज 144 पॉइंट्स के इधर वाला, और इधर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरी रिपीटिंग है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे सारी, तो 0 मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 144/99। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 16/11 मिल रहा है। अगर 9 से आप टेबल से इसको डिवाइड करोगे, सो 9 × 16 इज 144, सो 16/11 मिल रहा है। ठीक है, ये आपको मिल रहा है फर्स्ट इस वाले पार्ट के लिए। अब पॉइंट 3 के लिए भी सेम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। सो पॉइंट 3 पे बार, इसका क्या मतलब हुआ? ये हो गया 0.33333, इसमें 3 रिपीटिंग है मेरा। ठीक है, अब इसको एक्स की कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हमें देखो, हमें जो भी रिपीटिंग डिजिट होती है उसको पॉइंट के इधर लेके आना होता है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होता है। तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि खाली एक मेरी रिपीटिंग डिजिट है मेरी। तो ये हो जाएगा 3.333333। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर से वही, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10x माइनस x इज 9x, और इधर कितना मिल रहा है? 3 माइनस 0 0 मिलेगा डेसिमल के इधर, और इधर 0 मिल जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/9, विच इज 1/3। अब क्या करना था? दोनों को ऐड करना था। सो 16/11 प्लस 1/3, ये इवेल्यूएट करना है, यानी 16/11 प्लस 1/3। तो इनका क्या ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम नीचे 33, ऊपर कितना इधर 48 प्लस 11, विच इज 59/33। तो ये हो जाएगा इसका क्या रिक्वायर्ड आंसर अपना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।